सबसे पैसा भरता है, बनिया सेठ सबसे पैसा लेता है। साहब आपने भी तो बोला था कि पक्का लाइसेंस मिलेगा, बोला था ना? पक्का लाइसेंस मांग अपने मनिया सेठ से, उठा साले के धंधे को। आंखें दिखाता है साले, फोड़ दूंगा। देख इस तस्वीर को, पहचान रहा है? मतलब क्या है तेरा? ये मां है, भारत मां। देख इसे, कितना कोस रही है ये अपने आप को, कितनी शर्मिंदा है ये। मालूम है क्यों? क्योंकि इसे तुझ जैसे कपूत भी अपनी छाया में पालने पड़ रहे हैं। देखो पुलिस को अपना काम करने दो। तुझे अब काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए। इस मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है तुझे। ये मूर्ति क्या? तुझे इस धरती की मिट्टी को छूने का अधिकार भी नहीं है। खून किया तूने इस धरती की मर्यादा का। तेरा बच्चा तेरा कवच बन गया तावड़े। मैं इसे अनाथ नहीं करना चाहता, क्योंकि अनाथ क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर तुझ में थोड़ा सा भी जमीर बाकी है तो अपने बचे हुए दिनों में अपने कुकर्मों का प्रायश्चित कर लेना। शायद तेरी मां के दूध के एक कतरे का हिसाब तो मिल जाएगा। पापा पापा, इतने बुरे हैं आप। मैंने आपसे कहा था ना पापा, मैं सिपाही बनूंगा। अगर सिपाही आपके जैसा होता है तो मैं सिपाही कभी नहीं बनूंगा। 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 प्रशांत, तुम कानून की गिरफ्त में आ चुके हो। आई विल हैव टू अरेस्ट यू। जुर्म क्या है मेरा? नव क्रांति की आगजनी, लल्ला की मौत। कोई सबूत है आपके पास? नहीं, मगर आज तुमने एक पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोका है, हाथ उठाया उस पर। अरेस्ट अब। नो सर, आप प्रशांत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब तक मैं कोई कंप्लेंट दर्ज ना कराऊं, आप कोई केस नहीं बना सकते। क्या कह रहे हो तुम? प्रशांत ने मुझे मारा नहीं है सर, मैं गिर गया था। प्रशांत ने तो आज मुझे उठाया है सर। ये आदमी शहर में अपराध पर अपराध किए जा रहा है, तुम्हारे बयान से हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते देशमुख। जब तक मैं ताऊ का नामो निशान ना मिटा दूं, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुम कानून को अपने हाथ में लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो प्रशांत। बहुत देख चुका हूं मैं कानून का तमाशा। ताऊ का मामला पुलिस का नहीं, मेरा अपना है। जब तक ताऊ को मुजरिम नहीं करार दिया जाता, एक आम नागरिक की तरह उसकी हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। तुम ताऊ के आसपास कितने भी पहरे लगा लो कमिश्नर, कितनी भी दीवारें खड़ी कर लो, मगर मेरे हाथों उसकी मौत अटल है। ताऊ को खत्म करने के बाद मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारे एक झूठ की वजह से हमें एक अपराधी को छोड़ना पड़ रहा है, यह हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है तावड़े। नहीं सर, शर्मनाक तो वह है जो आज तक होता आया है। शर्मनाक है इस वर्दी को पहनकर ताऊ जैसे लोगों की गुलामी करना, इस वर्दी को गाली देना सर,